दोस्तों आज हम एक ऐसे फोन को रिव्यू करने वाले हैं जिसको देखने के बाद कुछ ऐसा लगा, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मैंने बहुत ट्राई किया दोस्तों इसमें एक ऐसा फीचर ढूंढ के निकालने का जो मैं कह सकूं कि ये इस फोन की खासियत है, नहीं हुआ। पता नहीं ओप्पो में लोग क्या फूक के बैठे थे जो इतना मीडिया पर फोन बनाया एंड हैव द ऑडेसिटी टू प्राइस इट एट 25,000 रुपीस। लेकिन हर पहलू के दो सिक्के होते हैं मेरे दोस्त, माय बैड, कॉइन गिर गया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस फोन में भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो शायद कुछ लोगों को पसंद आ जाए, शायद। इसीलिए आज हम इसके सारे फीचर्स को इसके प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कंपेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक स्वीट जेस्चर शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। ये मेरे भांजे का स्वीट जेस्चर था आज सुबह मेरे लिए, उसने क्ले आर्ट बना के भेजा है। उसको पता चल गया कि मैं एक यूट्यूब चैनल रन करता हूं, तो उसने मुझे सब्सक्राइब टॉप टेक ट्यूबर का क्ले आर्ट बना के ये वाला भेजा है दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। उसके लिए एक दो लाइक दबा देना, मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको लगा कि मैं भी कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 6.72 इंच का IPS LCD डिस्प्ले इसमें आपको मिल रहा है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 618 इंच का इसमें आपको पीक ब्राइटनेस मिल रहा है। 12 से 15 हजार के रेंज में आपको 1000 इंच का पीक ब्राइटनेस मिल सकता है आजकल, लेकिन ये लोग आपको 25,000 के रेंज में 618 इंच का पीक ब्राइटनेस दे रहे हैं, विच इज मेरे हिसाब से वेरी वेरी एवरेज। HDR सपोर्ट भी इसमें आपको नहीं मिलेगा, नहीं इसमें आपको IP रेटिंग मिलेगा। मेरे हिसाब से डिस्प्ले यहाँ पे आपको बहुत डिसअपॉइंट करेगा दोस्तों। 25,000 के रेंज की अगर हम बात करें तो यू आर गेटिंग अ बिलो एवरेज डिस्प्ले। Snapdragon 695 5G प्रोसेसर इसमें आपको मिल रहा है दोस्तों, आउट ऑफ बॉक्स Android 13 मिलेगा, ठीक है। कलर वाइज इसमें आपको मिलेगा वो भी ठीक है, लेकिन प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो 20,000 के रेंज में आपको दमदार प्रोसेसर मिल रहे हैं जैसे कि Snapdragon 778G, लेकिन यहाँ पे आपको 25,000 के रेंज में मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट को अगर कंसिडर करें तो बहुत ही एवरेज प्रोसेसर मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ Snapdragon 695G। दोस्तों हम लोगों को फोन में अच्छा कैमरा क्यों चाहिए, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या शादी में या कहीं पे भी आपको अच्छे फोटोज खींचना है। अगर आपको वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आपको 4K वीडियोस या अच्छे क्वालिटी में वीडियो बनाना पसंद आता है तो आपको अच्छा कैमरा चाहिए। इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, लेकिन OIS मिसिंग है, अल्ट्रा वाइड एंगल वो भी मिसिंग है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोपिक कैमरा मिलेगा, आप कितना ही घुस के कीड़े मकोड़ों का फोटो निकालेंगे दोस्तों। 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको डेप्थ शूटर भी मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। वीडियो में भी यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा दोस्तों, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा में आप 1080p वीडियोस एट 30fps बना सकते हो। यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से 4K वीडियोस मिल जाना चाहिए था। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 20,000 के रेंज में आईको फोन का ही एग्जांपल लीजिए, आईको Z7, उस फोन में आपको 4K वीडियोस का ऑप्शन मिलेगा और सेगमेंट फर्स्ट 64 मेगापिक्सल विद OIS कैमरा मिलेगा। यहाँ पे आपको 25,000 में 64 का कैमरा तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको OIS मिसिंग है और साथ ही में 4K वीडियोस भी मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से कैमरा में भी यहाँ पे जिन लोगों को कैमरा में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग ये फोन कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको कैमरा के लिए फोन चाहिए तो दिस इज नॉट द फोन फॉर यू। इसके बाकी के फीचर्स की हम बात करें, इसका वेरिएंट हो या इसका बैटरी बैकअप हो या अपडेट हो, यहाँ पे आपको कुछ अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं दोस्तों। 8GB रैम के साथ 250GB का इसमें आपको स्टोरेज मिलेगा, जो आप 1TB तक एक्सपांड कर सकते हो, विच इज वेरी गुड मेरे हिसाब से। 5000 mAh की बैटरी इसमें आपको मिल जाएगी दोस्तों, 67 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग के साथ, विच इज वेरी गुड। और यहाँ पे आपको बॉक्स में 80 वॉट्स का चार्जर मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट 67 वॉट्स का इसमें एनेबल है फास्ट चार्जिंग। इस फोन में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे और 3.5mm ऑडियो जैक मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे बड़ा थम्स अप है क्योंकि आजकल फोन्स आपको 3.5mm ऑडियो जैक नहीं दे रहे, तो दिस इज अ गुड फीचर। 4 साल का इस फोन में आपको OS अपडेट मिलेगा, 5 साल का सिक्योरिटी पैक भी मिलेगा दोस्तों। लेकिन ओवरऑल इस फोन के अगर हम प्राइस पॉइंट और इसके वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन की अगर बात करें तो AMOLED डिस्प्ले मिसिंग है, HDR सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा, IP रेटिंग मिलेगा, पीक ब्राइटनेस मेरे हिसाब से कम है, कैमरा में आपको 4K वीडियोस मिसिंग है, OIS मिसिंग है, यही मेन चीजें होते हैं दोस्तों। और प्रोसेसर में भूल गया था, प्रोसेसर 695G का यहाँ पे आपको मिल रहा है। मेरे हिसाब से मेन फीचर्स जो है वो बहुत ही एवरेज मिल रहे हैं, बाकी के जो वेरिएंट होते हैं 5000 mAh बैटरी वो तो आम बातें हैं दोस्तों, वो तो आपको मिल जाना चाहिए इस प्राइस रेंज में। तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से अगर सवाल उठता है कि शुड यू बाय दिस फोन ऑर नॉट, स्ट्रेट नो मेरे हिसाब से, क्योंकि प्राइस रेंज को अगर हम कंसिडर करें तो इससे बेटर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस एज वेल। ओप्पो F23 5G शायद उन लोगों के लिए है जिनको मेन चीजें मैटर नहीं करते हैं, जिनको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, अच्छा रैम चाहिए और यहाँ पे लंबे समय तक यूज करने के लिए OS अपडेट और सिक्योरिटी पैच चाहिए, तो अगर तुम उनमें से एक हो तो ये फोन आप कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज मेन चीजें जो है वो यहाँ पे बहुत ही एवरेज है, तो चॉइस इज योर्स। इतना सब बोलने के बाद भी अगर आपको कहीं से मोटिवेशन मिला और अगर आप यही फोन खरीदना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि आपको ऐसा क्या मोटिवेशन मिला जो आप 25,000 के रेंज में ये फोन खरीदना चाहते हो। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।